सर्वन संपत्ति निदा। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8, ये देखिए 8 बज रहे हैं और ये मेरे नाश्ते का टाइम है। मैं नहा चुकी हूँ, बस मैंने नाइट सूट में अभी हूँ, बाद में मैं चेंज करूँगी। और जो पीछे है वो मेरी साथ वाली है, उसका सामान है, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। बीच बीच में आई थिंक उसकी आवाज़ें भी आएंगी, तो ठीक है, क्योंकि हम साथ में रहते हैं ना। और ये नहीं कहना कि ये टांग कहाँ से आ गई, ये वो। तो ये आज की जो वीडियो है वेजिटेरियन फूड पे है, कि मैं कैसे सर्वाइव करती हूँ एज ए वेजिटेरियन। मतलब आपको क्या क्या यहाँ पे ज़रूरी है, आप क्या क्या कैसे कैसे मैनेज कर सकते हो ये सब। क्योंकि वैसे तो वेजिटेरियन का सर्वाइव करना इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा है, मतलब है। पहले तो मुझे नहीं पता था कि कैसे करना है, तो मैं तो बहुत मतलब ऐसे हो जाता था कि मैं क्या खाऊं क्या खाऊं। यहाँ तक कि बर्गर वाली शॉप पे भी जाके मैं सिर्फ फ्रेंच फ्राइज़ और कोला खा के आ जाती थी, ये होता था मेरा। तो इसीलिए मैं आपको अपने रूम से बताऊंगी कि मैं क्या खाती हूँ, फिर मैं बाहर भी खाऊंगी, फिर मैं सीयू में भी देखती हूँ कि खाऊंगी। मतलब 3 जगह पे आपको लेके जाऊंगी। तो मॉर्निंग का टाइम है, नाश्ते के लिए मैं बाहर नहीं जा सकती, मुझे बाहर जाने का भी इतनी सुबह सुबह मन नहीं है। तो नाश्ते के लिए मैं कुछ बनाऊंगी, पर पहले आपको ये जानना चाहिए कि आपको क्या क्या चाहिए। अगर आप कोरिया में आ रहे हो ना, तो जैसे पिछले वीडियो में मुझे बहुत सारे अच्छे व्यूज़ मिले थे कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें आपने बताई वगैरह, तो वैसे ही छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी। ये राइस कुकर है, आप एक राइस कुकर और एक टोस्टर, ऐसा टोस्टर नहीं सैंडविच मेकर, सॉरी ये सैंडविच मेकर, ये दो चीज़ें आप ले लेना, ये बहुत ज़रूरी है। बंदे को चावल खाने का मन है चावल पका ले, और अगर कुछ रोटी वगैरह खाने का मन है तो ब्रेड खा ले वो उस पर पका के सैंडविच मेकर में। एक्चुअली जो ये है ना राइस कुकर, इसमें लोग राइस पकाते हैं, पर मेरा दिमाग देखो, मैं इसमें सब कुछ पका लेती हूँ। मैंने इसमें पूरियाँ छानी है, मैंने इसमें नूडल्स बनाए हैं, मैंने इसमें समोसे भी बनाए हैं, और जैसे आप स्वीट पोटैटो भी इसमें बॉईल कर सकते हो। चावल तो चलो बनते ही बनते हैं, मतलब मैंने अभी तक तो इतने ही एक्सपेरिमेंट किए हैं, आपको जितने एक्सपेरिमेंट करने इस पर कर सकते हो। क्योंकि इसकी ना एक टेम्परेचर लिमिट है, उसके बाद ये बंद हो जाता है, तो उस टेम्परेचर पर पूरियाँ भी छन जाती हैं, पक भी जाता है, बस थोड़ा टाइम लगता है, तो सब्जी सब्जी भी बन जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो आप ये ले लेना, मैं आपको अभी सैंडविच बना के दिखाती हूँ। क्योंकि मैं चावल कम खाती हूँ, मैं बहुत कम खाती हूँ, मैं पंजाब से हूँ ना, तो वहाँ पे हम चावल कम खाते हैं, और इसीलिए मैं रोटी या ब्रेड ज़्यादा खाती हूँ। तो मेरे यहाँ पे जितने भी देखो कि ब्रेड ही ब्रेड है, तो अभी मैं सैंडविच खाती हूँ मॉर्निंग में। ओके लेट्स गो, ये मेरी मॉर्निंग रूटीन है, मैं इसमें कोई स्पेशल एडिशन नहीं कर रही हूँ, कर भी सकती हूँ, कह नहीं सकते। सो ये मेरा मेरे साथ वाली का फ्रिज है, जो हमारे कमरे में ही रहता है। देव यूनिवर्सिटी में हमें नहीं मिला था, पर यहाँ पे मिला है। तो इसमें जो है इतने सारे फ्रूट्स वगैरह हैं, ये मेरे मेरे साथ वाली के इकट्ठे हैं। तो यहाँ से मेरा स्टार्ट करते हैं, ये मेरा है, मैं कोल्ड ड्रिंक रखती हूँ, ये दही है, चीज़, ये भी चीज़, दूध, ये मेरा मतलब मिल्क कह सकते हैं, बनाना मिल्क है, बाकी मेरी ये साथ वाली का है। और ये मेरे साथ वाली को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स काफ़ी पसंद है ना, कच्चे कच्चे, तो वो बहुत रखती है। ये एक काइंड एक तरह का मतलब कह सकते हैं, लस्सी जैसा टेस्ट आता है इसका। ये टमाटर मेरे हैं, ये हरे सेब भी मेरे हैं, ये मेरा है, ये भिंडी की सब्जी संदीप लेके आई है मेरे लिए घर से, रोहित भैया के घर से आई है। और ये बनाना, ये पता नहीं क्या है, ये मेरी साथ वाली का है, ये फ्रीज़र है, और ये इंडिया का आम है, ये सीक्रेट है, बस ये खाने को मिल रहा है, हम इकट्ठे खाएंगे। तो ये होता है फ्रिज में, ये आपको रखना चाहिए आई थिंक। प्याज और आलू भी होने चाहिए, जो मेरे जमाई उधर पड़े हैं। जो भी बनाते हैं ना, उस सबका सैंडविच बन जाता तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखो मैंने ऐसा बनाया था, टेस्टी है वैसे। प्याज टमाटर ही है, मेरे पास उस टाइम कोई सब्जी नहीं थी, और हमारा जो वो है ना किचन वो लॉक कर दिया गया है, और मुझे भूख लग रही थी, मैं बाहर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि बाहर जो है वो सीयू वगैरह ही है। अभी यहाँ पे कोरियंस की भी छुट्टी चल रही है ना, तो रेस्टोरेंट वगैरह भी नहीं खुले हैं, तो बहुत मतलब ऐसा हो गया था कि क्या करूँ। और ऑर्डर करके मंगाओ तो उनको अच्छे से समझाना पड़ता है कि ये मत डालो ये मत डालो, कभी कभी तो उसके साथ ही आ जाता है जो हमें नहीं चाहिए होता, तो बांटना पड़ता है सबको, इसीलिए खुद बनाना पड़ता है। अगर आपको चीज़ डालना है चीज़ भी डाल सकते हो, मेरे पास चीज़ भी है, बट सुबह सुबह चीज़ खाने का मन नहीं है। तो आपको अगर फ्रिज में आपको रखना है ना, तो
दूध, चीज, फ्रूट्स, ये सब लेके रखो। प्याज, टमाटर, तो जो हमारे मसाले के जो मुख्य अंग है वो भी आप लेके रखना। और मसाले आप घर से लेके आना, मसाले यहाँ पे बहुत महंगे हैं, स्पेशली गरम मसाला यहाँ तो मिलता ही नहीं है। और आपको यहाँ का मसाला अच्छा नहीं लगेगा, मुझे जहाँ तक लगता है। ये लोग लाल मिर्च बहुत यूज़ करते हैं, जो पेट में दर्द होता है, हम लोग हरी खाने वाले हैं। और जैसे हमारे मसाले जब होते हैं, हम बर्तन धोते हैं तो वो पीला पीला निकलता है, इनका लाल लाल निकलता है। मैं इनका एक मसाला दिखाऊँ, मेरे पास है, मैं कुछ कुछ बनाती हूँ। वो कभी कोरियन खाने का भी मन करता है ना। ये देखो, ये मैं मसाला लेके आई थी कोरियन फूड वाला। ये पता है क्या करते हैं, सब कुछ ना बॉईल कर देते हैं, फिर उसमें मसाला डाल देते हैं। ये लोग फ्राई वगैरह नहीं करते, तड़का वगैरह ऐसा नहीं लगाते ना। तो इसीलिए मेरे को जब राइस कुकर मैंने शुरू में लिया था, मुझे नहीं पता था मैं उसमें इतना कुछ बना सकती, मैं सब्जी भी बना सकती हूँ। तो मैं सारी सब्जियाँ, या तो कि खीरा भी, खीरा, प्याज, टमाटर नहीं, कोई भी सब्जी है उसको काट के उसको ये मसाले के साथ बॉईल कर देती थी और खा लेती थी सूप की तरह। इसका मसाला ना ऐसा है, दिख रहा है आपको? आपको स्टार्टिंग में ना इसकी स्मेल जो है ना थोड़ी अजीब लगेगी, कोरियन फूड की स्मेल आपको थोड़ी सी के बहुत अलग लगेगी, जिसकी वजह से आपको खाने का मन नहीं कर सकता, बट धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। नाश्ता रेडी। इगो माजा, ओ इगो बाज, हम यहाँ पे खाते हैं। मैं अपनी सहेली के साथ खाने जा रही हूँ। ये मैं इधर नज़दीक आई हूँ, यहाँ पे बहुत मतलब छोटी छोटी दुकानें हैं, इतनी बड़ी बड़ी नहीं है, सब कुछ सस्ता भी है, तो यहाँ पे खाते हैं। और यहाँ का ना मुझे एक बात है कि बहुत टेस्टी होता है, ये छोटी शॉप होती है, काफ़ी पुरानी होती है और टेस्टी होती है। तो हमने ऑर्डर किया है टुकबुकी, खुंगकुक्सु और किम्बाप। किम्बाप और टुकबुकी जो है वो बहुत अच्छी होती है, हमें यहाँ पे बहुत टेस्टी भी लगी, बट उनको हमने बोल दिया कि मतलब ये मत डालना। खुंगकुक्सु में भी कुछ भी नहीं है, वो एक नूडल की तरह होता है, पानी में भरा हुआ होता है, बर्फ बर्फ भी डालते हैं, पर हमने उनको कहा कि बर्फ मत डालें। खा लिया, 17,000 का खाया, पर अच्छा था, हमें अच्छा लगा। अब डिजर्ट की बारी है, तो हम खाएंगे कॉपे की, कॉपे की गरम गरम खाएंगे। तो हमने ये कॉपे की ली है, 700 won की एक है, बस स्टेशन पे बस का वेट करें हम इसको, एज ए डिजर्ट की तरह खा लेते हैं। उसमें से शुगर लगा के देते हैं हम। अभी रात के 8 बजे हैं, मतलब अभी पूरा अंधेरा भी नहीं हुआ है, अभी होने वाला है। और मैं अपने यूनिवर्सिटी के सामने जो कन्वीनियंस स्टोर है वहाँ पे डिनर के लिए जा रही हूँ, देखती हूँ क्या खाती हूँ।
वैसे मैंने लंच जो है वो 4:30 बजे किया और मुझे भूख नहीं है, पर फिर भी मैं 10 बजे तक कितना मतलब भूख फिर भी लग जाएगी। तो कन्वीनियंस स्टोर में देखते हैं कि मेरा क्या मन कर रहा है खाने का। रामयन तो मैं शायद नहीं खाऊंगी क्योंकि वो पैक्ड फूड है, उसे खाने के बाद पेट दर्द होता है मेरा। उसके अलावा देखते हैं कि क्या करना है। फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन सा रामयन मैं खा सकती हूँ। मैं खाती हूँ, मैंने काफ़ी खाए हैं इसीलिए खाती तो पेट दर्द होता है। और मेरी यूनिवर्सिटी के सामने 7-Eleven है, मैं वहाँ सोच रही थी कि मैं सीयू में खाऊंगी, बट मैं वहाँ खा नहीं पाई। मतलब मुझे लगा कि मुझे नहीं खाना चाहिए व्लॉग करते हुए, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग थे, क्योंकि आज सैटरडे है तो सब लोग वहाँ पे ड्रिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं। मैं शूट भी नहीं कर पाई क्योंकि बहुत लोग थे, और मैंने वहाँ पूछा कि मैं शूट कर सकती, तो उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पर बहुत लोग हैं अभी नहीं। तो फिर मैं सिर्फ ख़रीद के आ गई और अब मैं कमरे में जाके ये खाऊंगी। मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी कि मैंने क्या खरीदा और प्राइस भी। और आप बताना कि ये वीडियो कैसी है, और आप भी जाके जिंकू का व्लॉग देखना, जिंकू का व्लॉग आया न्यू, अभी अभी आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज मेरे बाल जो वो ऐसे लग रहे थे समझे छितर पड़े हैं, पर कोई बात नहीं, मेरी डेली की शक्ल यही है, कोई चेंजेस नहीं किए मैंने, ना ही मैंने अपने खाने की रूटीन में चेंजेस किए हैं। बाहर वाला भी मैं हफ्ते में 2-3 बार खा ही लेती हूँ, बस आज थोड़ा महंगा हो गया क्योंकि हमने खुंगकुक्सू खाया था। तो ये था आज का ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।